हेलो बच्चा पार्टी, मैं अनुप सिंह डांगी। आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 4, जो क्यूबिक पॉलीनोमियल से रिलेटेड है। तो ऐसा एक एग्जांपल भी हमने पढ़ा था। मैंने उस टाइम पे तुम्हें कहा था कि बच्चा अच्छे से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा तो तुम कुछ एक्स्ट्रा बातें समझ सको, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि उसी बातों में घूम रहे हो कि सर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, है ना। तो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस एग्जाम्पल को चेक कर लो। तो चलो फिर क्या कह रहा है। इफ द जीरोज ऑफ द पोलोमेल एफ एक्स, एक पोलोमेल है ये एफ एक्स और इसके जीरोज क्या हैं, एक ए पी बनाते हैं। ए पी का मतलब एक सीरीज बनाते हैं, स्टैंडर्ड सीरीज, जिसमें अगर थ्री जीरोज हैं अल्फा बीटा और गामा, पहले बता देता हूँ, इन तीनों में अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं चेक करूँ कैसे भी, है ना, एक सीरीज में बने तब, तो इन दोनों का डिफरेंस इक्वल आएगा, ऐसे नंबर हैं। तो मैंने लेट कर लिया सबसे पहले, पहले हम लिख देते हैं कि सर पॉलिनोमियल है हमारा, पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू है, क्या है, 2x³ - 15x² + 37x - 30। तो हम लेट करते हैं, लेट अल्फा इज इक्वल टू, बीटा इज इक्वल टू एंड गामा इज इक्वल टू। अब क्या लेट करें ऐसा कि वो एक सीरीज ही बनाए, है ना, मे बी या जब भी हम, क्योंकि लेट करेंगे उसी पे तो डिपेंड करेगा ना। तो हम लेट करते हैं ना, तो हमें पता है कि सर देखो एक नंबर ए होगा, दूसरा बी हो सकता है, तीसरा सी, बट हमें ये क्या पता है इसमें क्या ऐड किया हमने और इसमें क्या ऐड किया, तब जाके ये नंबर बना, क्योंकि डिफरेंस सेम है। तो मान लो 2, 4, 6 होता या 2, 5 और 8 होता, तो मुझे पता है इसमें +3 हुआ है, इसमें +3 हुआ है, तब जाके तो जीरोज बने 2, 5, 8, ऐसी कोई जीरो बनती तब। तो मुझे एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिससे मुझे ये पता चले कि हाँ सर ये मतलब कुछ ऐड हो रहा है। तो ऐसा एक नंबर क्या हो कि हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं, कुछ नंबर कैसा भी ले सकते हो, ये ज़रूरी नहीं ऐसा ही ले, बट मैं ऐसा बता रहा हूँ कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म बन सकते हैं उससे नंबर की। तो एक नंबर मैंने ए ले लिया, तो ए में मैं कुछ प्लस कर दूँ, तो मान लो बी को मैंने प्लस कर दिया तो ए प्लस बी बन गया, और इधर मैं माइनस कर देता हूँ तो ए माइनस बी बन गया। अब मुझे पता चल रहा है इन दोनों के बीच में भी बी का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी बी का डिफरेंस है। समझ में आ रही है बात, वरना ए बी सी लेते तब भी वही कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन का आंसर हो जाता, बट थोड़ा सा लेंदी या बड़ा हो जाता क्वेश्चन, है ना, कभी फुर्सत में उसको भी कर लेंगे अपन। तो हम सबसे पहले ए, ए माइनस बी और ऐसा कुछ मान लेते हैं, और ये हम बहुत डीपली डिस्कस कब करेंगे पता है, इस ए पी को, ए पी को हम चैप्टर नंबर 5 जो आपका बुक का है उस टाइम पे डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको ले लेता हूँ ए माइनस बी एंड ए, और इसको ले लेता हूँ ए प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे लिख दो जीरोज आर इन ए पी। अब हम क्या लिखेंगे, हमें एक बात बताएगी, सिंस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो जीरोज होते हैं उनका सम माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो हमारे पास जीरोज हैं, तो एक तो है ए माइनस बी, बीटा है मेरा ए और ये मेरा है ए प्लस बी, तीनों का अगर मैं सम करता हूँ, क्योंकि मुझे पॉलीनोमियल गिवन है और उसमें ए बी सी डी की वैल्यू पता है, तो मैं रिलेट करके अल्फा बीटा गामा एक इक्वेशन बना लेता हूँ जिसको मैं सोल्व करूँ तो मेरे आंसर आ जाए, है ना, क्योंकि इक्वेशन सोल्व करना हमने पढ़ चुके हैं और मैंने उसके वीडियो भी बना रखे हैं कि कैसे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हो, चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा था, है ना। चलो तो ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी चैप्टर नंबर 2 में नहीं पढ़ा, ठीक है ना, इन तीनों का ऐड करेंगे तो माइनस बी कितना है, यहाँ से माइनस 15 है। अभी तक जिसको ये बी नहीं पता करना है ना वो डूब के मर जाओगे इधर, और अभी पता करना है कैसे पता चलता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, स्टार्टिंग से चैप्टर नंबर 2 को देखना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, फिर आ जाना इस वीडियो पे। अभी इनको सम करो तो देखो ये बनेगा ए माइनस बी प्लस ए प्लस ए प्लस बी, क्योंकि बाहर ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन सेम रहेंगे। अब इसको सोल्व करो, बी से बी कट गया तो यहाँ से आ गया 3a, 3a आया 15/2, तो a की वैल्यू निकालूंगा तो आएगा 15/2/3, तो उसको मैं 1/3 लिख दूँ। अब ये कट गया 5 times, तो ये आ गया 5/2, a की वैल्यू 5/2 है। इसको तुम डेसिमल में भी ले सकते हो और नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें तो जीरोज निकालना है ना, 5/2 में आते हैं जीरोज हमारे, डेसिमल में हमने मुश्किल से देखे हैं जीरोज, तो एक जीरो तो 5/2 है। अब फंस गया कौन, कौन रह गया ये वाला, तो उसके लिए हम एक और निकालते हैं, क्या कि हमें एक बात पता है सर,
कौन सी बेटा, ए अल्फा बीटा गामा, वो क्या होती है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो माइनस लास्ट में बचता है डी अपॉन ए। अब कोई बच्चा कहेगा अच्छा सर हमें बता नहीं रहे आप, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा क्यों काम में नहीं ले रहे। बेटा तेरी इच्छा है, तेरे को कैलकुलेशन बड़ी करनी है तो वो ले ले, आंसर तो आने हैं है ना, इससे ले लो चाहे उससे ले लो, तुम्हारी मर्जी है ना। बस कैलकुलेशन से बचने के लिए, अगर इससे काम निकल जाए तो क्यों हम उसमें फंसे जाके। तो यहाँ से देखो ए की वैल्यू भी उठा के रखेंगे, अब ये ए और ये ए अलग है, ये ध्यान रखना ठीक है ना। तो यहाँ से हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करेंगे तो ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी कितना हो जाएगा माइनस, डी कितना है ए बी सी डी -30 और ए कितना है बता लो 2। अब देखो यहाँ पे या तो तुम वैल्यू पुट कर दो या फिर सोल्व कर लो। तो देखो तुम इस ए को अलग रखो पहले, और तुमने इन दोनों को देखा देखा देखा, देखने से प्यार हो जाता है ना, तो देख के तुम्हें प्यार हो गया कि सर ये ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50। यस और नो, ए माइनस बी ए प्लस बी आइडेंटिटी अप्लाई कर दी हमने। अब ए की वैल्यू पुट कर दो, तो तुमने यहाँ पे पुट की 5/2 आई, यहाँ पे पुट की तो 5/2 का स्क्वायर आया, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते, और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर ही रहेगा, वो हो गया 15। इसको उधर ट्रांसफर कर दिया और ये हो गया 25/4 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 × 2/5, होगा कि नहीं होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। फिर तुमने इसको सोल्व करने की कोशिश की तो बी स्क्वायर को उधर लेके गए और इसको इससे काट दिया, 3 × 3 = 6 हो गया, इसको इधर लिया क्योंकि हमें जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो प्लस में रखते हैं, तो इधर तो रखा है 25/4, वो उधर आया तो हो गया -6 इज इक्वल टू, उधर बच गया प्लस का बी स्क्वायर। अब तुमने क्या किया, इसको सोल्व किया, एलसीएम लिया 4 आया, ये हो गया 25 और ये हो गया 24 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये बचा 1/4 और उधर बचा बी स्क्वायर। अब बी की वैल्यू निकालनी है तो आई √1/4, √1 की वैल्यू तो 1 होती है और √4 की 2 होती है, तो तुमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली 1/2, सही है क्या है, नहीं, क्योंकि सर ये प्लस माइनस 1/2 आएगी, क्योंकि ये जो 4 है नीचे ये प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी हो सकता है ना, और ये 1 है तो ये प्लस 1 का स्क्वायर भी माइनस 1, क्योंकि बच्चा लोग अगर -1/2 का स्क्वायर करोगे या फिर +1/2 का स्क्वायर करोगे दोनों टाइम पे 1/4 आता है, तो तुम्हें कैसे पता कि ये माइनस और प्लस का, ये सिर्फ प्लस का ही है या फिर ये सिर्फ माइनस का ही है, इसलिए हम प्लस माइनस लेते हैं। अब जब प्लस माइनस आ जाता है तब हमारे लिए कंडीशन और भी खराब हो जाती है, क्यों हो जाती है, क्योंकि सर हमें केस 1 और केस 2 लेना पड़ता है। देखो ए की वैल्यू तो प्लस में है और बी की वैल्यू प्लस माइनस में है, तो तुम केस 1 लोगे सबसे पहले, केस फर्स्ट, उसमें कहोगे ए इज इक्वल टू 5/2 एंड बी इज इक्वल टू मेरा 1/2 है ना, इफ अगर ऐसा हो तो तुम कहोगे कि सर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, ए माइनस बी, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 5/2 -1/2, सोल्व किया तो 2 5 -1 दैट इज 4/2 इज 2, तो 10 तो बना है 2। बीटा हमारा ए है तो उसको बताने की जरूरत नहीं है, तो बीटा की वैल्यू हम बता भी देते हैं कि ए होती है दैट इज 5/2। अब बचा गामा, गामा कितना होता है, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी है, तो यहाँ से तुम कहोगे 5/2 +1/2 दैट इज 6/2 इज 3, तो यहाँ से 0 निकल गया है, 2 5/2 और +3। अब ये केस 1 है, केस 2 होता तो क्या होता है वो भी चेक करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ यहाँ से है ना, क्योंकि हमें तो सॉल्यूशन ही करना है, बाकी तुमने कंटिन्यू पता, जब देखो वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तुम्हें पता है कहाँ से लिखना है कहाँ से नहीं है ना, तो यहाँ से तुम इसको इसे कर लेते हैं, तो हमारा केस 2 जो होगा वो क्या होगा बच्चा लोग, इफ ए तो हमारा है 5/2 एंड बी हमारा हो गया है -1/2, तो हमारा अल्फा कितना हो जाएगा, ए माइनस बी होता है इसके अकॉर्डिंग 5/2 --1/2, जिसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो 5/2 +1/2 लिख सकता हूँ बच्चा लोग। अब वापस से एलसीएम लिया 2, तो ये आ गया 5 + 1 दैट इज 6/2 इज 3, अब क्यों आ रहा है अल्फा आ गया 3, बट सेम आ रहा है, जीरो तो तीनों ही आएंगे
वैल्यू तीनों की सेम आएगी, बट अल्फा बीटा गामा आगे पीछे हो सकते हैं। अब बीटा तुम्हारा ए है तो उसमें तो कोई चेंज नहीं है, 5/2 रहेगा, बट गामा है अब क्यू आर ए प्लस बी, तो 5/2 प्लस माइनस 1/2, जिसको तुम लिखोगे 5/2 माइनस 1/2, जिसको हमने सोल्व किया था तो 4/2 इज इक्वल टू 2। अब देखो जीरोस तो वही आ रहे हैं 3, 5/2 एंड 2, और इधर क्या आ रहा है 2, 5/2 और 3। अब कैसे लिखोगे इसको, देखो सबसे पहले तुम कहोगे सर 2 है, फिर 3 है और फिर 5/2 है, ऐसा लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो 5/2 फिर 3, क्योंकि ये देखो 3 से बड़ा है और एक है 2, ये हो गई, ठीक है ना बच्चा लोग, समझ में आ रहा है। ऐसा ही हम क्वेश्चन बना के या लिख सकते हैं आंसर, चेक कर लेते 2, 3 और 5/2 आ रहे हैं, और ये किस में, एक एपी में है। ओके तो ऐसे करके तुम एपी वाला क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमने स्टेप्स को समझ लिया कि कैसे स्टेप्स हमें अप्लाई करनी है, पहले एपी लेट करनी है और एबीसी करते तब भी यही कुछ आता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, डिस्कस करेंगे कभी ना कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ऐसा ही करेंगे कि फाइंड द कंडीशन दैट द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल मे बी इन एपी, कंडीशन चेक करनी, अब ऐसी कंडीशन बनानी कि इसके जीरोज एपी में आए, तो हमें पी क्यू आर में एक ऐसी कंडीशन बनानी पड़ेगी। तो वो कैसे बनाते हैं पता है तुम्हें, एग्जांपल से प्रैक्टिस करो, नहीं देखें एग्जांपल डिस्क्रिप्शन में, और फिर मैं क्वेश्चन 5 और 6 एक साथ बता दूंगा तुम्हें, क्योंकि एक में कंडीशन है और एक में कह रहा है प्रूव करो, तो मे बी बड़ा हो जाएगा तो 6 अलग हो जाएगा, वरना 5th के साथ आ जाएगा, और 7th भी आ सकता है क्योंकि दोनों सेम है। चलो फिर बचा लो, थैंक यू।